सोलन में दो दिन पहले कुछ व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए थे। कोरोना संक्रमितों में सोलन के व्यवसाय भी शामिल थे। कोरोना संक्रमित कुछ लोग सोलन शहर की दुकानों पर भी खरीदारी करने के लिए गए थे, जिसकी वजह से सोलन शहर की 9 दुकानों को जिला प्रशासन द्वारा एहतियातन बंद करवा दिया गया है, जिसके बाद सोलन में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर सोलन के व्यापार पर भी पड़ा है। लोग अपने घरों से निकलना बेहद कम हो गए हैं। ऐसे में सोलन व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने सोलन की जनता को मीडिया के माध्यम से संदेश दिया है कि वे किसी भी तरह से घबराएं, क्योंकि दुकानों को केवल प्रशासन द्वारा एहतियातन बंद करवाया गया है, उनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। शहरवासियों और व्यापारियों को संदेश देते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि शहर में कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं, जिसके चलते कुछ दुकानों को एहतियातन बंद करवा दिया गया है, लेकिन वे सभी ठीक हैं और उनमें किसी तरह के कोरोना लक्षण नहीं है, इसलिए शहरवासियों को किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने व्यापारियों को भी सलाह दी है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तभी बाहरी राज्यों में सामान लेने जाएं और कोशिश ये करें कि दुकान का सामान फोन के माध्यम से ही मंगवा लें। अगर किसी कारणवश उन्हें बाहर जाना भी पड़ता है तो जो नियम प्रदेश सरकार ने बनाए हैं उनका सख्ती से अनुसरण करें। अगर छोटी सी भी असावधानी रखते हैं तो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो है एक हमारे जो व्यापारी हैं वो नीचे गए थे हिमाचल से बाहर, और जब वो वापस आए तो उनको कुछ कोरोना की शिकायत होगी, और उनके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में उनके जो कुछ लोग थे परिवार के, उनमें से पता चला कि वो कुछ दुकानों पर गए थे, जिनको कि प्रशासन ने हमें भी बताया कि ये दुकानें हैं, और उनको एक सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ उनको एहतियातन तौर पे बंद कराया गया है। तो मेरा तो जितने भी व्यापारी भाई हैं हमारे, जो यहाँ से नीचे हिमाचल से बाहर जाना पड़ता है सामान लेने के लिए, तो जो हिमाचल से बाहर हमारे व्यापारी भाई अपना 24 घंटे या 48 घंटे के जो पास लेके जा रहे हैं, उनसे मेरा एक विनम्र आग्रह है कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि अभी जितना भी सामान है अगर आप टेलीफोन के माध्यम से मंगवा सकते हैं, तो क्योंकि दुकानें हमारी तकरीबन फिक्स होती है, आप अगर टेलीफोन के माध्यम से भी उनसे मंगवा सकते हैं, तो कोशिश करें कि हिमाचल से बाहर उन इलाकों में ना ही जाएं जहां पर कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और ये नहीं कि अगर हम हिमाचल से जो व्यापारी भाई हमारा 24 घंटे या 48 घंटे के लिए जा रहा है और वो परमाणु टपने के बाद जो नियम हमें बताए गए हैं, जैसे मास्क को लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, या थोड़ा डिस्टेंस हमें रख के चलना पड़ेगा, इन बातों को जाकर नीचे दरकिनार ना करें, क्योंकि हिमाचल से बाहर जाकर अगर आप इन बातों को कहीं भी सावधानी को छोड़ोगे तो दुर्घटना का घटना बहुत संभव हो जाता है, और हो सकता है कि आप कोरोना की चपेट में आ जाएं। इसलिए मेरा यही कहना है कि यहाँ से जब आप जा रहे हैं, अगर आप 24 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो अपना पानी, पीने का पानी और खाने का सामान अपना घर से लेके जाएं, और अपना वही सामान खाएं, और जहां भी आप बिजनेस टूर के लिए जा रहे हैं वहां पर जाकर पूरी सावधानी रखें, ताकि ऐसा ना हो कि कोरोना आपके साथ लगकर हमारे शहर में आए और उससे हमें कोई परेशानी हो या दिक्कत में आ जाएं, आप भी दिक्कत में आए और दुकानदार या बाज़ार दिक्कत में आए। इसलिए सावधानी को नीचे जाने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ाना है, और जितने भी दिशा निर्देश हमें मिले हुए हैं स्वास्थ्य विभाग से उनका पालन करना है। और जो दुकानें हमारी शहर के अंदर में एहतियात के तौर पे जो बंद कराई गई है, उनके जो परिवार हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। कोरोना का जो लक्षण जिनमें पाया गया है उनको घरों में रखा गया है, लेकिन जितने भी दुकानदारों पे वो लोग गए थे सामान खरीदने के लिए, वो उनके सारे परिवार स्वस्थ हैं, किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। और मैं जनता को भी बोलूँगा कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी पैनिक ना करें कि कोई दुकान एहतियात के तौर पे बंद की गई है, और वो सुरक्षित है हमारे दुकानदार। और कोरोना कब किसको हो जाएगा ये कुछ नहीं पता, इसलिए इसको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और कोरोना जिसको हो रहा है उससे भी हमें कोई घृणा नहीं करनी है, क्योंकि बीमारी है, आ रही है, लोग बहुत अच्छे ठीक हो रहे हैं, हिमाचल में भी ठीक होने का रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हर जगह पे लोग ठीक हो रहे हैं, इसलिए इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है, ना कि हमें इसको पैनिक करना है।
तो जनता से भी आह्वान है कि वो भी जो दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकार द्वारा दिए गए हैं, जब बाजारों में आते हैं तो उनका पूरा पालन करें, और साथ साथ व्यापारी भाई भी उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें।